हाय गाइस, मैं राकेश कतरी राधे कृष्ण ऑटोमोबाइल चंद्र विहार दिल्ली से। गाड़ी आई है ब्लेनो और गाड़ी आई है गुड़गांव से। इसमें वही सेम प्रॉब्लम है जो स्टेयरिंग चिपकने की है, जो काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती रहती हैं। तो एक बार गाड़ी को हम ड्राइव करके दिखाएंगे, गाड़ी स्टेयरिंग अभी कैसा चिपक रहा है और रिपेयर होने के बाद कैसा परफॉर्म करता है। तो एक बार गाड़ी को लेके चलते हैं ट्राई पे और मैं दिखाता हूँ आपको स्टेयरिंग की क्या पोजीशन है। तो हम गाड़ी को एक बार वर्कशॉप से बाहर निकाल रहे हैं और गाड़ी के टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं स्टेयरिंग कैसे चिपक रहा है। घुमाते ही पता लग जाता है। जहाँ पे देखिए, जहाँ पे छोड़ दिया है गाड़ी टर्न कर रही है, इधर राइट काट दिया तो राइट में जा रही है, वापसी स्टीयरिंग बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो हमारा कॉलम बाहर आ चुका है, अब इसको खोल के करेंगे रिपेयर और अभी ले जाते हैं इसको इंजन रूम में जहाँ पे इसकी रिपेयरिंग करेंगे और दिखाते हैं इसमें क्या क्या रिपेयर करने वाले हैं। नहीं, जो आउटर लॉक प्लास होता है ये हमने इसको निकाल लिया है। ठीक है जी, ये निकाल लिया। ठीक है, ये अब साइड में को अब लाओ बारह का पाना। ठीक है जी, और बारह के पाने से ये ये निकल गया है अब। ठीक है जी, ठीक है। अब ये तीन बोल्ट खोलेंगे। क्या जी, हाँ, अब इसे हल्की हल्की चोट मारेंगे, इस बार बहुत हल्की हल्की। ऐसे नहीं कि जोर जोर से मारनी है, पता बड़ी लंका लग गई। ठीक है जी, ऐसे धीरे धीरे पिनियन आ गया बाहर, ये देख लीजिएगा। निकल गया, ये देखिए आप देख सकते हैं। मैन प्रॉब्लम क्या है, ये ग्रीस हार्ड हो गई, बिल्कुल ये ग्रीस हार्ड हो गई है। और इसको अब हम बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। ठीक है, फिर उसके पश्चात देखते हैं क्या करना है। ठीक है जी, हमने खोल दी है और खोलने के बाद इसको अब हम साफ करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है जी, ये स्पेशल ग्रीस है हमारी जो हम इसमें लगाते हैं। गाड़ी का स्टेयरिंग हमने फिट कर दिया है। एक बार हम चल रहे हैं टेस्ट ड्राइव पे गाड़ी की, तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और एक बार ट्राई लेके देखते हैं भैया को कैसी लगेगी। आया था मैं गुड़गांव से, राकेश जी वीडियो देखी थी, तो काफ़ी समय घूमने के बाद तो जैसे इनसे संपर्क हुआ और गाड़ी का भी टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। और टेस्ट ड्राइव में गाड़ी जो है अभी तो फिलहाल बहुत अच्छी लग रही है, दिक्कत कुछ नहीं है और सेटिस्फेक्शन काम हुआ है काफ़ी बढ़िया।
और स्टीयरिंग आपको स्मूथ लग रहा है? हाँ, जो पहले से काफी स्मूथ है, जो पहले स्टार्टिंग में गाड़ी जब ली थी तब से ऐसी सेम ऐसी लग रहा है, कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही भाई, काम अच्छा हुआ है। दोस्तों एक चीज और मैं बता देता हूँ, खैर गाड़ी के भी पहले ट्राई ले लेते हैं। जो भी हमने आज तक स्टेयरिंग का काम करके दिया है, आज तक कोई सिंगल कंप्लेंट नहीं है, मतलब अभी तक कोई भी, पिछले हम 2019 से स्टेयरिंग का काम कर रहे हैं, आज तक कोई भी सिंगल कंप्लेंट नहीं आई है। क्योंकि कुछ भाइयों का ये कहना है भाई अगर हम स्टेयरिंग का काम कराते हैं वो कितने दिन चल जाएगा, जो अपने आप में ये भी बहुत बड़ी बात है। कई बार क्या होता है, हमने स्टेयरिंग का काम किया और करने के पता लग रहा है 3 महीने बाद 4 महीने बाद ही फिर दोबारा से रिपीट कंप्लेंट आ जाए 1 साल बाद। आज तक कोई भी कंप्लेंट हमारे पास ऐसी आई नहीं है, बिल्कुल सबका स्मूथली बढ़िया से काम हो रहा है और बढ़िया काम कर रहा है। तो अभी हम ट्राई लेने के बाद एक बार भैया से बाहर निकल के भी फीडबैक लेते हैं, थोड़ी गाड़ी और चला लेते हैं। तो भैया एक बार आप बताओ कि आपने ट्राई ली है, आपको कैसा लग रहा है स्टीयरिंग, पहले कैसा था और अभी कैसा है? पहले तो देखो जी स्टीयरिंग बहुत हार्ड था और इसमें आवाज़ भी थी, कटकट की आवाज़ आ रही थी, स्टीयरिंग जाम था और बहुत ज़्यादा स्टिप था। और उसके बाद सर्विस के बाद जो सर्विस करी है वो बहुत सेटिस्फेक्शन है और गाड़ी पहले स्मूथ हो गई है और काम बहुत अच्छा हुआ है। और रिकमेंड करूँगा जिसके भी प्रॉब्लम हो राकेश जी से आए और मिले। ठीक है, थैंक यू राकेश जी, तो बहुत धन्यवाद जी। तो भैया अगर किसी को भी अपने ब्लेनो से ब्रीजा के स्टीयरिंग में कोई भी किसी भी गाड़ी में अगर स्टीयरिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक आ सकता है। और जो आपका स्टीयरिंग है वो ये नहीं है कि 2-4-6 महीने के लिए, काफ़ी लंबे टाइम तक बढ़िया काम करता है। जिसको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ एक बार लाइक का बटन जरूर दबा देना। थैंक यू दोस्तों।